हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर फेवरेट चैनल स्वाद का तड़का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन डिश, थाली पीठ। ये एक मल्टीग्रेन डिश है जो कि ग्रेन्स, पल्सेस और स्पाइसेस का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मल्टीग्रेन होने की वजह से ये काफ़ी हेल्दी भी होती है। महाराष्ट्र में इसे ज़्यादातर ब्रेकफास्ट के रूप में खाया जाता है, पर आप इसे फुल मील के रूप में भी खा सकते हैं। तो आइए फटाफट इसे बनाते हैं। यदि अभी तक आपने स्वाद का तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, थाली पीठ बनाने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीग्रेन आटा तैयार करना होगा। तो इसमें हमें क्या क्या चीजें लगेगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 300 ग्राम ज्वारी, देसी चने और गेहूं जो 150 ग्राम है, खड़ी मूंग दाल, उड़द दाल, मटकी या जिसे मोट भी कहते हैं, मसूर दाल, ये चारों ही चीज़ें 100 ग्राम है। और हमें लगेंगे खड़े धने, पोहा, खड़ा जीरा और चावल, ये चारों चीज़ें 50 ग्राम है। दोस्तों, आप अपनी सुविधा और चॉइस के अनुसार इनमें से कुछ चीज़ें घटा भी सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ देसी चने लिए हैं तो आप इसकी जगह चना दाल ले सकते हैं या फिर खड़ी मूंग दाल की जगह नॉर्मल दाल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सभी चीज़ों को सेम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्वारी लेंगे और ज्वारी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट सेकने के बाद ज्वारी गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसमें पॉपिंग्स भी हो रही है, यानी कि ज्वारी फूटने लगी है। अब हम इसे किसी बड़ी परात या बाउल में निकाल लेंगे। अब हम गेहूं और चने सेक लेंगे और दोनों ही चीज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक सिम फ्लेम पे सेकेंगे। चने और गेहूं भी अच्छे से सिक चुके हैं और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें भी हम परात में निकाल लेंगे। अब हम सभी दालें सेक लेंगे, मूंग दाल, मोट, उड़द दाल और मसूर दाल। दालें भी अच्छे से सिक चुकी हैं, अब इन्हें भी हम परात में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में 2 से 3 सेकंड रोस्ट करेंगे चावल को। दोस्तों, ध्यान रखें, हम यहाँ जितनी भी चीज़ें सेक रहे हैं सभी चीज़ें सिम फ्लेम पर ही सेक रहे हैं। अब हम इसमें खड़े जीरे डाल देंगे और इन्हें भी कुछ सेकंड चलाएंगे। जीरों में से खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें धने ऐड कर देंगे और धनों को भी करीब 1/2 से 1 सेकंड सेकने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। धने भी अच्छे से सिक चुके हैं और हमने गैस भी बंद कर दी है। अब हम सबसे आखिरी में इसमें डाल देंगे पोहा और इसे भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि मसालों की और जो पैन की गर्माहट है उससे पोहा भी अच्छे से सिक जाए। ये सभी चीज़ें अच्छे से सिक चुकी हैं, अब हम इन्हें भी परात में डाल देंगे। दोस्तों, इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे पूरी तरीके से ठंडा और ठंडा होने के बाद हम तैयार करेंगे इसका मल्टीग्रेन आटा, जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होगा ही, साथ ही साथ होगा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी। दोस्तों, सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद करीब 1 किलो आटा तैयार होगा। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में आटा चाहते हैं तो आप इसी रेशियो में सभी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और ज़्यादा आटा तैयार कर लीजिए। दोस्तों, मल्टीग्रेन आटा रेडी हो चुका है और अभी हम 1 किलो आटे में से करीब 250 ग्राम आटा यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं थाली पीठ बनाने के लिए हमें आटे के अलावा और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। इसमें हमें लगेगा बारीक कटी हुई पालक, कोरिएंडर लीफ, मेथी, ओनियन, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट, दरदरी पिसी हुई सौंफ, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हल्दी और तिल। दोस्तों, थाली पीठ बनाने के लिए हम सबसे पहले तैयार करेंगे उसका डो। तो डो बनाने के लिए आप कोई भी बड़ा बाउल या परात ले सकते हैं। यहाँ हम बड़ा बाउल ले रहे हैं, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले मल्टीग्रेन आटा, फिर डालेंगे कोरिएंडर लीफ, मेथी, पालक
और बारीक कट किया हुआ ओनियन। इसके बाद ऐड करेंगे हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक का पेस्ट, तिल, दरदरी पिसी हुई सौंफ, एक चम्मच रेड चिली पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और इन सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से घुल मिल जाए। दोस्तों अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। मगर हाँ, आप एक बात ध्यान रखें, अगर आप थाली पे तुरंत ही बना रहे हैं तो डो को हल्का नरम रख सकते हैं, और अगर आप थालीपीठ आधा या एक घंटे के बाद बनाना चाहते हैं तो डो सख्त रखें, यानी कि हार्ड रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने डो में ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ नमक भी ऐड किया है, और नमक के कांटेक्ट में आने से जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो पानी रिलीज करेंगी और डो को नरम करेंगी। डो रेडी हो चुका है और डो को हल्का नरम ही रखा है क्योंकि थाली पीठ हमें तुरंत ही बनाना है। अब हम लोई बना लेंगे और चौकी पे यानी कि पट्टे पे एक कॉटन के कपड़े को गीला करके फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर लोई रखेंगे और हाथों में पानी लगा के इसे फैलाएंगे और इसे गोल शेप देंगे, जैसे चपाती या पराठा रहता है। अब हम इसमें 2 से 3 होल करेंगे ताकि तवे पे जब हम इसे सेकेंगे तो तेल सभी साइड अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तवा भी गर्म हो चुका है, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और थाली पीठ को कपड़े सहित उठाकर तवे पर पलटा देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। थाली पीठ एक साइड से सिक चुका है, अब हम इसे पलट देंगे। थाली पीठ दोनों ही साइड से अच्छे से सिक चुका है, ऐसे ही हम और भी थाली पीठ तैयार कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है टेस्टी और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी थाली पीठ। तो दोस्तों, स्वाद का एक और नया तड़का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं स्वाद के एक और नए तड़के के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग योर फेवरेट चैनल स्वाद का तड़का। बाय बाय एंड थैंक यू।